नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में कि अंग्रेजी माह को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है दोस्तों माह कौन सा आता है, जनवरी महीना आता है, ठीक है ना। तो जनवरी महीने को क्या कहते हैं हिंदी में, पोस कहते हैं, पूस या माह कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है फरवरी, ठीक है। और फरवरी माह को क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों, माघ या कि फागुन कहते हैं, ठीक है ना। माघ और फागुन ये फरवरी माह में होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है मार्च, मार्च को क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में, फाल्गुन और चैत्र कहते हैं, ठीक है ना। फाल्गुन और चैत्र होता है, ठीक। इसके बाद आता है दोस्तों अप्रैल, अप्रैल को चैत्र और बैसाख, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मई, मई को क्या बोलते हैं, बैसाख और जेठ, ठीक है। बैसाख और जेठ मई में होता है, ठीक है दोस्तों। और फिर जून में क्या होता है, जेठ और आषाढ़, ठीक है। फिर जुलाई में आषाढ़ और श्रावण, ठीक है, जिसे सावन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगस्त देखते हैं, अगस्त में क्या है, श्रावण और भादव बोलते हैं, इसे भाद्रपद बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सितंबर में, सितंबर में आता है दोस्तों भाद्रपद और अश्विन, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर में आता है दोस्तों अश्विन और कार्तिक, ठीक है। इसके बाद नवंबर में, नवंबर में क्या बोलते हैं, कार्तिक और मार्गशीर्ष बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है दोस्तों दिसंबर, दिसंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, मार्गशीर्ष और पौष भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे अंग्रेजी माह को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ तथा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।